हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग एक विषय हिंदी पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 का नाम है खेमा। इस पाठ का मैं शब्दार्थ आप लोगों को लिखवा रही हूँ। कल मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगी। पाठ का शब्दार्थ आप लोगों को लिखवा दी हूँ। शब्दार्थ एक बार देखिए, पायदान, पायदान मैंने सीढ़ी, पैर रखने योग, पिघलना, पिघलना मैंने गिर जाना, पिघलना मैंने गिर जाना, अनुराग, अनुराग मैंने प्रेम भक्ति, आदेशात्मक मैंने आदेश पूर्ण आज्ञा, आदेश पूर्ण या आज्ञा, क्षणिक, क्षणिक मैंने थोड़ी देर रहने वाला, थोड़ी देर रहने वाला माने क्षणिक, निरंतर माने बिना उत्तर के, निरुत्तर माने बिना उत्तर दिए, नियति माने भाग नियमन। या इस पाठ का शब्दार्थ है, इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद मैं खेमा के बारे में कुछ आप लोग बता रही हूँ, कल विस्तार से आप लोग बताऊंगी। यह कहानी जो है खेमा एक बाल मजदूरी पर निर्धारित कहानी है। एक छोटा सा बच्चा है जो दिन भर काम करता है होटल में, तभी उसे भर पेट खाना नहीं देते हैं और बेचारा, और मारते भी हैं उसे, बहुत से यातनाएं सहने पड़ते हैं। बाद में एक सज्जन से मुलाकात होता है, तब वो उसको ले जाते हैं, उसे अपने घर रखते हैं और उसे अस्तपर। यही इस पाठ की कहानी है। इस कहानी को मैं कल आप लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगी। आज को मन लगा कर पढ़िए और इस शब्दार्थ को एक बार लिख लीजिए, और जितना भी मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ उस सबका पैर तैयार कर दीजिए और एक एक का क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा, क्योंकि कभी भी स्कूल खुलने पर कॉपी की जांच की जाएगी। और कुमन लगा के पढ़िए। आज का वीडियो इतने, ओके, धन्यवाद।